नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिठाई दूध से बिना मावे के। तो आप इसको रक्षाबंधन पर भी बना सकते हैं, और जन्माष्टमी आएगी आगे तो उस पर भी मिठाई बनती है, तो जब भी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया था, और इसमें जो मलाई थी एक दिन की जो होती है वो उसी में मिक्स करके, और जो है पकने के लिए छोड़ दिया था। अब थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ये ड्राई फ्रूट पाउडर है और थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है। अब इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे। तो गैस तेज करके कंटिन्यू चलाते रहना है। और देखिए, उबाल आने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा छींटे लग रहे थे, तो मैंने गैस स्लो कर दी है। और ये देखिए, जब तक ये अच्छे से पकता है, तो मैंने एक प्लेट में, बच्चों का लंच बॉक्स है तो मैंने इसी में घी लगा लिया है, क्योंकि फिर बाद में तो टाइम नहीं लगेगा गाढ़ा होने के बाद, फिर तो कंटिन्यू चलाना ही होता है। तो अभी मैंने घी लगा के बर्तन को भी तैयार कर लिया है। अब इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और बीच बीच में मैं ऐसे चेक करती रहूँगी, क्योंकि अभी गाढ़ा होने लगा है तो मैं देख कर चेक कर रही थी। अभी वैसे हो तो गया है, बस थोड़ी सी और कसर है इसमें 1-2 मिनट की, तो मैं थोड़ा सा और इसको गाढ़ा कर लूँगी। जब ये तली को छोड़ने लगेगा ना, गाढ़ा सा हो जाएगा, तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस जो है स्लो कर लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। जलने के बाद जो है स्वाद कड़वा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बस चलाने का ही ध्यान रखना है अभी इसका। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा, तली को छोड़ने लगेगा, तब हम अपने जो टिफिन में जो मैंने घी लगाया था उसमें खाली कर लेंगे। तो ये देखिए, बस अब थोड़ी देर रह गई है। इसका खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इस टाइम ज़्यादा पका दिया तो मिठाई थोड़ी सी टाइट बनती है, और अगर थोड़ा सा पतला उतार दिया तो मिठाई जमेगी नहीं। तो देखिए, थोड़ी देर के बाद ये जो है गाढ़ा हो गया है, क्योंकि बस अभी लास्ट टाइम में इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। 1-2 मिनट बाद ही थोड़ी सी टाइट हो जाती है, और 1-2 मिनट पहले उतार लेते हैं तो उससे जो है अच्छी नहीं बनती, फिर वो जमती नहीं है। तो बस देखिए, यहाँ पर जो है ये तैयार हो गया था। अब जो है मैं इसको बर्तन में खाली कर लेती हूँ, और जो अच्छे से सेट करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही अच्छे से सेट होगा, और तभी जो है बर्फी काटूँगी मैं। तो बस अभी तो मैं खाली करके रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और इसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रख दूँगी। 2 घंटे बाद इसको चेक करके देखते हैं बर्फी हमारी जमती है या नहीं। तो ये देखिए, ये सारा मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको अच्छे से सेट करके रख देती हूँ, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो थोड़े से इसके ऊपर डाल देने हैं। मेरे पास गोले का बुरादा रखा है, तो बस मैं वही डाल दूँगी इसके ऊपर को, और 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो बस इसको 2 घंटे बाद देखते हैं बर्फ। Few minutes later. तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब जो है इसकी बर्फी काट लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से सेट हो गई है, अभी काट के दिखाती हूँ मैं आपको। और ये मिठाई सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और घर पे बनती है तो शुद्ध तो होती है, कोई मिलावट नहीं, घर की बनी मिठाई बिल्कुल टेस्टी, एकदम स्वादिष्ट। आप लोग ट्राई जरूर करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फी लगती है ये। और आप लोग जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो तब भी बना सकते हो, और जन्माष्टमी पर भी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी।